अब एक हास्य रस का बिरहा आप लोगों के सामने, आइए बिरहा की ओर चलते हैं। चलो भैया, राह सीधा नव्या बिटिया, छोटी सी बच्ची, कर कमलों द्वारा 51 रुपया का आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत खुश रहो, पढ़ो लिखो। ए बाबू, आज एक लड़का 18-20 साल की उम्र है, अपने माई से कैसे माई अगुआ 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 माई कहा कब बिठवा अगुआ माने का होत है, कहा माई जौन ब्याह करावत है, कहा ए अम्मा जौन ब्याह करावत है, लेकिन हमारे ब्याह में न कोनो अगुआ न कोनो मिडिल मैन, माई कुछ पैसा दे दे लई के जात ही लई के तो लई के दुल्हन ले आओ, नहीं तो जान ले कोनो बात नहीं ना। बाबूजी अम्मा को मना लिया क्योंकि माँ जानती है कि हमारा बेटा होनहार है, वो अम्मा से पैसा लेहस अम्मा ओकर 20,000 रुपया का दही अंगूछा में गठियाएस और धरे संभार के चल पड़ा। बिरहा में एक तर्ज लगी, कहा पान लगी अम्मा, कहा खुश रहा बेटवा, जहाँ जा सदा उस सफल हुई क्या बा। तर्जिया यह कहना बा, तू दुश्मन मिले सवेरे, गाना का बढ़िया जोर शोर से यूज ज्योति मौर्या वाले में लोग केस में करे, कम से कम बिरहा का तो विस्तार भवा, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा के दुश्मन मिले सवेरे, वो दुश्मन मिले सवेरे मगर मतल भी यार ना मिले, दुश्मन आप लोग जो सोचा था हम कहबे नहीं करब, पीछे वह दीदी हरे बैठी यहाँ, लेकिन अर्थ समझ ले जा कि रणुआ रहा जन्म भर मगर गलत सरकार ना मिले, कि रुपया लई के 20,000 अगुआ अगुआ पैसा लेके चला जात बड़ी दूर निकल जात है, कि घर से निकल गया कुछ दूर, तब ले थी बुजुर्ग भेटाने बुढ़ापा आदमी कहे दादा ए राम राम, कहे राम राम बेटा राम राम, कहे हला देखा, कहे हाँ बच्चा बोल,
कहा वो दुरिया जौन गौना दिखाता है, कहा हाँ हाँ बेटा बोलो, कहा वो गौना के नमुआ जानत है का आप? तो दादा कहा है बचवा, हाँ 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 हाँ, अरे वो हदे जौन दिखाता है बगलिया, ये गांव का नाम बचवा ठगपुरवा है। कहा दादा ठगपुरवा? कहा हाँ। कहा ये बच्चा ये गांव बहुत खतरनाक है, देखत देखत तुरे आँखी से कीचड़ निकाल ली है, ही भलाई यही है कि हिया से तू निकल जा। कहन अच्छा दादा कि घर से निकल गया कुछ दूर, गांव ठगपुरवा एक मशहूर, कि घूर के देख नैन पसार प्यार से लाल विचारत बहादुर के। बेटवा चल जा, कहा बाबूजी बड़ी दिक्कत है। कहा तब तो बाबा बताए कि ये भैया वो जोन गांव के पहला घर देखा था, कहा हाँ हाँ हाँ, कहा ओहमा उसार गांव का पक्का ठगहार है, देखा गलती उसे न जाया, ओहमे एक बहिन और भाई रह थी, ओके माई बाप दुर्भाग्य से बचपने में मर गए हाँ, और गांव के नंबर एक का ठगहार है। आज सोचत है अगुआ के सरवा ऐसा आई के फंसे, लेकिन दुल्हन तो लिया वही कहे माई के खातिर, चल पड़ा बाबूजी पहुंचा कैसे। कस भाई कहाँ नियारे में आई गया, कहा बस भैया इसे डगर भूल गए, अंधेरा हो गया, रात में कहीं जाना उचित नहीं समझ रहा हूँ, तर जिया वह लगी आई हो पानी में, हाँ हाँ पानी में, हाजी पानी माया दिया लगा सरे धाना तोहरी जवनी। बाबू साहब का ये भाई साहब, आज हम इधर से गुजर रहे थे, बड़ी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, कुछ पैसे मेरी माँ ने दिए हैं, और रात बिरात चोर उचक्का लागे सुने गौनो बड़ो खतरनाक है, तो हम सोचे आज रात न हो या पे खिया कोनो तरह से कट जाते। मैं कहा थे का आई हो घेरा ले, हाँ हाँ घेरा ले रही नया नियरिया हो, कैदा हमारी नवरिया हो आए तोहरी सरनिया। तब तक वो बोला ए भैया आपके नाम का है बाबू? वो कहा मेरा नाम लोग मुझे अगुआ कहते हैं। कहा चला भैया कोनो दिक्कत की बात नहीं, हमार वैसे बुलावे के नाम ठगुआ है, ओकर तो माथा ठनक गया। कहा ये अगुआ हम अगुआ ये ठगुआ गजब, और सोचे गजब घर बैठे माल आएगा है, कहूँ जाएंगे न पड़िया। वो कहा कहा भैया कोनो दिक्कत नहीं ना, ठगुआ का है कि रहा प्रेम से है भैया।
हमारे एरिया में बड़ा बढ़िया लोग रहा थी। तू पैसा चाहे खटिया पर धई दे, चाहे तकिया के तरे धई दे, चाहे कथरी के तरे धई दे, चाहे ताखे पर धई दे, यहाँ तक कि हमारे दुआरे मड़ायू में खोस देबा तहा रुपया जस कत्ता से मिली। कोनो दिक्कत नहीं ना, और रुपया धई दे आराम से हाथ मुंह धोवा। और भैया आई हो अंगने मा, हां हां अंगने मा करा जेवा नरिया हो, आए तोहरी सरनिया। ए बाबू, उठगुआ के ठी नई खूबसूरत जवान बहन है जिसका नाम मोहिनी है। शाम हुई ठगुआ के घर भोजन बना, कहे भैया पैसा कहो भी रख दे, अरे चाहे जहां रख दे, कोनो गम नहीं है। लेकिन शाम का वक्त हुआ है, ये मनई के धर्म कहा थे कि एक रोटी पूछब हमार फर जहा। भैया हाथ पैर धुल्ला, अपन पूजा ध्यान करे को कैला चला, दोनों जनी अंगने में चली भोजन कीन जाए। ए बाबू चटाई बिछ गई, दोनों बैठ गए हैं अगुआ ठगुआ पास पास। ठगुआ सोचता है बिन बुलाए भगवान छप्पर फाड़ के दे दे हैं। बैठा है बाबू, कहे मोहिनी अतिथि आए हैं घर में, इनको भोजन परोसा जाए। ए बाबू जो मोहिनी खाना लेके आवत है वो एकदम 20-22 साल के अंदर के खूबसूरत जवान लड़का और खूबसूरत उसकी बहन जब भोजन लेके आती है बाबू जी, जब भोजन लेके आवत है तो होत का कहना बा, अरे साले सुभरी सुरतिया जादू भरी, साले अगुआ तो उही काम से आए रहा। वो जैसे मोहिनी के देखे सुकर मुह बावा के बावा, ठगुआ का ते भाई ए, हाँ 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 भैया हाँ हाँ सुनते ही, लेकिन उकर पूरा ध्यान फोकस रहा मोहिनी के ऊपर, एकदम खुली आंखों से देख रहा है। वाह कितनी खूबसूरत इस दुष्ट आदमी की बहन है बाबूजी। ओकरे नजर में मोहिनी छा गई बाबूजी। आ खाना लेके आई, दोनों भोजन शुरू करते हैं कि जैसे कवर उठावे, जैसे कवर उठावे अपन अखिया नचावे, जैसे कवर उठावे अपन अखिया नचावे, ठगुआ जाने ना बतिया बाबू। दोनों नए उम्र पे हैं, दोनों युवा। मोहिनी देख रही है कि ये जो अतिथि आया है एकदम लट्टू हो गया है। अचुलबुल मोहिनी को एक टक निहार रहा है बाबू। होता क्या है, काफी देर से देख रही है खाना देते देते कि जो लड़का आया है इसकी निगाह मुझे पर टिकी है कि देख चुलबुल के हाल, देख चुलबुल के हाल मोहिनी हो गई निहार, धड़क चुलबुल के छतिया जादू भरी, धड़क खाना खा रहे हैं बाबूजी आंगन में। भगवान का जय बोल के जयकारा बोल के भोजन शुरू हो गया बाबूजी। तब तक
अगुआ कहता है भाई साहब, भाई साहब थाली में रोटी खत्म हो गया है। ठगुआ कहते हैं मोहिनी रोटी ले के आओ। रोटी लाते हैं तो होता क्या है, जब मोहिनी को देखता है अगुआ तो उसके इशारे से थोड़ा सहमत लगती है वो कि मोहिनी रोटी लेके आई। मोहिनी रोटी थमा रही है बाबू जी, ठगुआ सार खाए पड़ा, बस सोचत बा कि कैसे रुपया लेके आए। ओकर ध्यान पैसा पा है, बहनी के ना ध्यान देता है कि मोहिनी रोटी लेके आई। ठगुआ अंगूरी दबाई दुअर आहिल भारतिया जादूगरी। भोजन पानी हुआ, अचुलबुल जिसको अगुआ बताया वो बड़े धीरे धीरे खाई। ठगुआ वो भी आई गवा के सार कब खाई के उठी। ओकर मन बहिनी पे लगा बा, आधी रात तक खवाई न बीती गए। कोनो तरह उठे दोनों कि भोजन करके उठ गए दोनों, पकड़ लिया चारपाई। ठगुआ कहे फिकर ना भैया, प्रेम से रही ये भाई हो महुरवा, घर घर बटबई बचवा। अगुआ कहे नीक तोरी बहनी कैसा हुरवा, महुरवा घर घर बटबई बचवा। रात जब हो गई 10-11 बज गया तो दोनों को चारपाई लगी है और रस बीचे में ठीक टूटही फूटही स्टूल रखी है। दोनों दोनों कहती बैठे बाबू, एक तरफ अगुआ दूसरी तरफ ठगुआ। ठगुआ कहे भाई साहब खाना बढ़िया बना रहा। कहे भाई साहब आपन माछ माइक माछ ऐसे प्रेम से हम कभो जिंदगी में खाना नहीं खाए। मस्त कह दे भाई कसम से आज बढ़िया नींद आवे वाली बात, बढ़िया खाना बनाने वाली बात। क्या बात है खाना बाबूजी, सच बात है कि खाना से अच्छा अगर खाना बनाने परोसने वाली है तो भोजन का स्वाद दोगुना नहीं चौगुना हो जाता है। कितना भी स्वादिष्ट खाना बनाइए ला दे जरूर के नाती खाए हाला भकोसी ले, एकदम मिजाज उतर जाएगा। क्योंकि भोजन में प्रेम होना जरूरी है, प्रेम से भोजन जो खाता है वो अच्छी ऊर्जा देता है। वाह वाह। अरे बाबू दोनों बैठे उका ए भाई ए, बड़े दिन पे बैठाना भाई, चला आज कुछ हो ही जाए। वाह वाह। चुलबुलवा अगुआ कहा मतलब यार, मतलब कहा भैया रात तो कटी ना, तू कहत रहा 20,000 रुपया ले आ। कहा हाँ भाई ले तो वही, अब यही बरे तोरे घरे आए ही। कहा आज हो ही जाए। कहे हो ही जाए मतलब का, कहा 20,000 रुपया रखा ही बीचो बीच स्टूल पे, न तू छुबे न हम छुबे। आ दुन्नों जने झूठ बोली। वाह वाह। जेकर झूठ सच हो जाए उही के 20,000 रुपया यार। उखाए सार अच्छा मुसीबत, हमारे पैसा हमहिन से धोखा। वाह वाह। लेकिन वही कहे हम कच्ची गोली थोड़ो खेले ही। कहे भाई साहब तोहरे दुआरे भोजन करे तोहार हम कर्जदार है। कोई बात नहीं हो जाए, हो जाए। कहा झूठ पहले के बोले। ठगुआ कहा हम बोलब, हमार घर आते हम बोलब पहले। तो कहा भाई तोहार घर आ तुहिन पहले बोला। तो कहा सुना कैसे तर्जिया लगल भैया। कहा गई ले बालिया
ओ खाना की हो गई लेना, गोरी के हाथ में अनानवा खाना की हो गई लेना, गोरी के हाथ में भाई एक बार के बात है कहे का करे दमरी न धाई गईले, अरे दमरी न धाई गईले, चैत के महीनावा हेराई गईले ना, हो हेराई गईले ना, मोरा बार धा दही नवा हेराई गईले ना। कहे तो भैया दमरी ना धा तो भूसा निकरा गेहूँ निकरा बर्धा ये मामला कहे भाई इतने नहीं कि पाए राव साक गेहूँ घर लेकिन वो कहत का कि भैया पैरा गेहूं सब अपन अपन कोठौली भुसौली में रखती हमन का बड़ी बात है कहा भाई जौन कुछ विपत आए अब सुना कहत का धीरे धीरे भैया बीत गईला एक साल हो बीत गा फगुनवा चैत आइल हर हाल हो साल बीत गया फागुन बीता फिर चैत लाग कि अरे कचूर गेहूं नहीं काय घरे में गेहूं एकदम खत्म हो के आए। पहले लोग हिसाब डबड़ बनाए रहा कि हिसाब से बड़ा राशन मिले, ताला चाबी रहा कि हिसाब से मिले, नहीं बर्बाद करी है लोग। बीस शेर गेहूं बचायो का हम पिसावले बीस शेर आटा खत्म भैला मन में पछताइले मोरा बा
पर्दा हेराई कहा हाँ एकदम हेराई गया तो कहा तब का हुआ उड़ान में कहना हुआ के भाई अंतिम दिन राशन खत्म भ खाना खात रहे एकदम आखिरी कवर एकदम आखिरी कवर कि देखा हर के माया भैया आज भाग मर जागल अरे अंतिम कवर उठाए जैसे पर्दा उठ के भागल हो महुरवा घर घर बटबई बचवा अरे भागल बड़े जोर से चकिल भई ठकुरवा महुरवा घर अंतिम कवर जैसे उठाए बाबूजी अरे बाबू कहा एकदम सही बात है कहा बर्धा मिल गया कहा बिल्कुल मिल गया कहा भैया जे नेम धर्म ईमान पर रहे ओकर खोई चीज मिल जाए बिल्कुल मिल जाए ठगुआ कहा सरवा कहा था मिल जाए कहा हाँ बिल्कुल मिल जाए बाबू वो कहा अगर अपने दीन ईमान पर रहा तो मनी हाथी मिल गया है कोई बात नहीं आपका बैल मिल गया आप दीन ईमान पे थे कहा देखा दुख दुनो ऐसे है वो सोचत अगर सच कह दे तो वो हमका दिक्कत हुई अरे होता है क्या बैरगिया में कहना बा हमारे दादाजी बैरगिया के बड़े मास्टर हैं कहाँ कहाँ जाते हैं कि अरे दुई ठगहारे भेट भइल दुई ठगहारे बैल गुम हुआ था मिल गया ये बड़ी अच्छी बात है जो अपने दीन ईमान पे रहेगा उसकी खोई चीज जरूर मिल जाएगी इधर अगुआ कहा थे अब तू देखा सुना अब हम झूठ बोले चलते अब हमार बारी अब बोलत कैसे कहा थे भाई साहब आज के बहुत पहले के बात है कहा पहले के बात कहा तोहार पहले के रही था मरो पहले के बात है कहा थे काओ मुड़वा बधल जब हमारे मऊरवा हो अरे सजी गई सगरी बरतिया रतिया सजी गई ले ससुरारी जब बनी के दूल्हा हो गए ससुरारी जब बनी के दूल्हा अरे गहुआ के देखैया वरतिया रतिया सजी गई भोजन की बेरी गारी हो वैला दुआरवा हो भोजन की भोजन की बेरी गारी हो खेला दुआरवा हो भोजन की बेरी गारी हो खेला दुआरवा हो
हो खेला नई नई गीतिया रतिया सजी गई के छतिया रतिया सजी गईली कहा तब कहा भाई साहब शादी ब्याह हुआ हम अपने घर आए लोग नए नए गीत गाए नवा खपरेलवा छवाओ रे नए घर दुल्हन आए लेकिन धीरे धीरे चार साल भइले गुजरवा हो मोतिया रतिया सजी गई ए बाबू कहा तब कहा भैया यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था गड़बड़ अब भय अब कैसे गड़बड़ भा हम बताओ थे कहा हमारे दो बच्चे हुए एक का नाम हमने हीरा रखा एक का नाम मोती रखा कहा एक दिन की बात है घिरी घनघोर घटा काली सावन के महीने में बाबूजी एकदम अंधेरी रात चारों तरफ से अदेव राज इंद्र भगवान एकदम मानो कि प्रलय लाने को तैयार बरसात के मौसम बाबूजी एकदम अंधेरा छा गया एकदम चारों तरफ से घनघोर घटा छा गई अहोत का कहा थी कहा बाबू वही दिन था वही रात थी हम दोनों प्राणी खाना पीना खाए पिए के बाद अपन दोनों लड़का अम्मा बाबू के लगे लेटा के घरवा के बगली एक थी मड़ैया रही मड़ैया में दोनों प्राणी लेटे चला गए और उसी समय एकदम घनघोर घटा छाई और रात घिर गई एकदम लगा बादल गरजने बिजली कड़कने लगी अंधेरा छा गया कहना भवा का ये आटे दद्दा राम आधार वाली जो तो वही भैया कह रहे ने अरे झकोरा मारई झूलने झूलने वाली जो तीन पतिया होत रही ये सब सानिया मिर्जा कटनथुनी है अरे झकोरा मारई झूलने अरे ऊ भाई साड़ी कहत बा ठगुआ से हे भाई साहब सूझैना डहरिया अरे सूझैना डहरिया नावरिया डगमा गाय रे सूझैना डहरिया नावरिया भादो का महीना बरसात कई जवनिया पहले लोग चदरा ओढ़ के गुजारा करें पहले इतना संसाधन नहीं उपलब्ध रहे बाबूजी
अरे चमक बिजुरी आयौर घर जैबा दरबा के चदरवा लिहले दुल्हिया के लिहले दुल्हिया के छाती से लगाए रे सुझै न डगरिया चदरिया हुआ। अरे बरखा कहे भाई सुनाओ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कहा कहे बरखा भवानी रानी पारल मचावली अरे टूट ही मरही हमार बही गईली बखरी छोड़ के छानी छपरे में रह तो टूटही मड़ही बहिन जाई आनी पानी में कहा इतने नहीं अरे इतने मा गईली मोरी दुलही हेराई रे सुझै न डहरिया चदरिया साहब ठगुआ महाराज एक उ दिन का दिन है आज का दिन है हमारे दो बच्चे हमारी पत्नी उसी आन्ही पानी में बह गई हेराई गई बाबूजी हमार दो ठू लड़का हीरा मोती छोट छोट बच्चा ठगुआ महाराज पूछत ही ए पापा अरे ओ पापा बोलो ना मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ कहाँ है तो कहे भाई तो हर जिम्मेदारी है कि उसकी माँ कहाँ है तुम बताओ तो कहे बतावत ही चुलबुल बोला खड़ी सामने मोहिनी बहन तुहार कहे जो खड़ी है सामने ये हमारी खोई हुई उहे दुल्हिना और चुलबुल बोला खड़ी सामने मोहिनी बहन तुहार है हमार हो बहुरवा घर घर बटबई बचवा अब प्यार से चला मोहिनी अब अपने ससुरवा बहुरवा घर घर बटबई बचवा बबलू भैया के कर कमलों द्वारा पुनः 101 रुपए का आशीर्वाद और गीत अपने अंतिम पड़ाव पर एकदम कहे अरे यार ये कैसे हो सकत कहे अगर नहीं हो सकत तो फिर रुपया हमार बात तुहार गया अब कहे मोहिनी की तरफ इशारा करत होकर असली नाम तो चुलबुल है कहे का मोहिनी का विचार है चलत हो मोहिनी मने में सोचे था पिया बड़ा चालू छोरा है वाकई काम का आदमी है कहे तब बाबू हारी गवा ठगुआ पैसा का पैसा हटाए ले रहा कहे भाई ऐसा जिन करा मोर भैया ऐसे न करा हम डूब मरब का फिर लावा हमार 20,000 रुपया कहे भाई वो रुपया रुपया कहो सरकार चुका रहा है कहे उपाय चलत मेरे छमक छलो मोहिनी का लिया के बाबू चल पड़ा गुआ दुल्ही ले के चल पड़ा वो कहा ये भाई तो देखा हमारे बहन ले जाता है लेकिन कहूँ कुछ ऊंच नीच ध्यान रखा हम 10-15 दिन बाद भाई तुहार पैसा लेके जरूर आऊंगे अरे ठगाई गवा ठगुआ अरे ठगाई गवा ठगुआ अरे अगुआ के हाथे ठगाई गवा ठगुआ ठगाई गवा ठगुआ
बुआ जोन बड़ बड़ के बोलत रहा करे आँखी से आंसू चुहेला कहे भाई माई बाप नहीं रहे बड़े दुख से ही बहनी का अपन बिटिया लड़का समझ के पाले ही बहुत ख्याल रखा कहे हाँ भाई बिल्कुल ख्याल रखा 20,000 रुपया दे 15 दिना बाद हो हतिया सम्हारी रख्या बात मोर याद हो प्रियंका अंकिता बिटिया की ओर से बहुत सी माया पुरस्कार दोनों बच्चियों को मेरा शुभ आशीर्वाद अरे दुइनों कैती अरे दुइनों कैती अगुआ बाटे ठगुआ के नाथे ठगाई गवा ठगुआ बोलाई में झूठ की बोलाई में चली गई बहिनिया कोमल कोमल कौआ में बजे पे जनिया चला प्राण प्यारी दूल्हवा के साथ ठगाई गवा ठगुआ लगुआ के बाबू आज चुलबुलवा अगुआ अपन दुल्हन मोहिनी के लियाई के अपने घर चल दिए माई देखी है चुलबुलवा इतने नीक सुंदर मेहरारू ले है कहां से चला आवत है काए मैं लोटा में पानी लेके आओ रे तोर पतोह लेके आए है बाबू दुल्हन पैर छुअत है अचरे से गोड़ धरत है बाबू एकदम परिवार खुशहाल है बिरा शॉट करना है परिवार खुशहाल है बाबू 14 दिन बीता चुलबुलवा वो अगुआ जो ना है अपने दुल्हन मोहिनी से मजाक करे थे कसो मोहिनी आज 14वां दिन होएगा तो हर भैया पैसा लेके तार का विचार है कहे पिया आपो गजब है आप 15 दिन बाबू मुंह लटकाए ठगुआ द्वारे पे पहुंचा कहे भाई रुपया का प्रबंध तो नहीं कर पाए लेकिन भाई बड़ी दुलारे के बहिन आए कहा तब कहा भाई तू ले जा लेकिन हमार बहिन बड़ा संवार के रखा ए बाबू चुलबुल की दुनिया बस गई एक लौता मालिक तीन तीन स्थान का उहे चुलबुल अपने साता मामा के मार के ठिकाने लगाए दे दे ननियौरे वाला हिस्सा होकर हुई रहा अपन घर ननियाउर अपने बहनी का की इकलौता मालिक तीन तीन स्थान का अम्माई धन्यवाद दीहे कृष्ण भगवान का अरे बहुरवा घर घर बटबै बचवा कि सपना माता सार के चरण में तेरे ये माथे हो बहुरवा भैया के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद पहुंच न पाए